हे भाई, अगर मेरी प्रार्थना समझ पा रहे हो तो समझ लो, कातव कांता जिसे तुम अपनी स्त्री समझ रहे हो, पत्नी समझ रहे हो, पीछे कौन थी, आगे कौन रूप में जाएगी, वर्तमान में वो जीव स्त्री शरीर प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त करके तुम्हारे कर्म के भोग के लिए उपस्थित है वो। अब उसे तुमने अपनी पत्नी मानकर गाढ़ा शक्ति कर ली तो नवीन दुर्गति तैयार हो गई। कौन है वो तुम्हारी जानते हो? नहीं, परिचय कुछ वर्षों का परिचय और इसे सत्य मान लिया, और जहां वो परिवर्तन नाशवान दृश्य जगत का एक दृश्य शरीर परिवर्तित हुआ, नाशवान शरीर का परिवर्तन प्रतिपल हो रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे, पर समझा तब जाता है जब वो मृत्यु को प्राप्त होने का समय आता है, तब समझ तुम्हारी किसी काम की नहीं रहती, मन पछताई है अवसर बीते। शुद्ध बनितादि जान स्वार्थ रत ना करु नेह सभी थे, स्नेह मत करो, स्नेह प्रभु से करो, प्रभु का भाव रख कर करो। कहने कि कास्तव तनया, ये जो तुम्हारे पुत्र रूप में आया है ये कौन है जानते हो? तुम्हारे कर्म का भोग भोगाने के लिए वही भगवद अंश आया है, ये कुछ समय के लिए आया है। शुभ कर्म तो सुख प्रदान करेगा, अशुभ कर्म तो दुख प्रदान करेगा, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है, आप उसका परिचय नहीं जानते जो पुत्र रूप में आया हुआ है। स्थिरमती रेतन मृति मनुगणया, तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं है, इसीलिए तुम समझ नहीं पा रहे कि गणना नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारी एक एक श्वास व्यर्थ में नष्ट हो रही है। आखिरी श्वास अहा किमद्य ना पश्यसि मरणम, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी श्वासें कम हो रही हैं, तुम मृत्यु की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा शरीर कभी भी अचानक छूट सकता है, ऐसा नहीं कि आप वृद्धावस्था में ही जाकर मरेंगे। तव पर वृंदावन मिहि शरणम, फिर भी तुम वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार नहीं करते, सत्संग का अनुसरण नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, निरंतर नाम जप नहीं करते, तो किस भूल में तुम पड़े हो? तुम्हारे पास पत्नी है, पुत्र है, संपत्ति है, इस भूल में, ये तुम्हारी नहीं है। कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रारब्धानुसार ये संयोग बना है, बस बिछुड़ जाएगा, इसे तुम रोक नहीं पाओगे, ना अपने शरीर का छूटना, ना अपने सगे संबंधियों के शरीर का छूटना, ये तुम्हारे बस की नहीं कि तुम रोक लो। तो क्या करें, सबको छोड़ दें? नहीं, सब में भगवत भाव करो, अपने धर्म का पालन करो, खूब नाम जप करो, जीवन सार्थक करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इनके मोह में फंस करके भगवत विमुख जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो निरर्थक जीवन है। नमस्तस्मै कस्मै चिदपि पुरुषायाद्भुत महा महिमने विभ्राजत कनक रुचि धामने स्वकृपया असंकोचेनैवा स्वपच मखिलेभ्यः स्वयमहो ददौ यः सद्भक्तिं विमलतरनानारसमयीं। अहो, आश्चर्य है, स्वपच नीच आचरण करने वाले को भी जो गौरांगी प्रियाजु जिनका निज महल वृंदावन धाम है, यदि आप वृंदावन का आश्रय ले लिए, वृंदावन का थोड़ा भी सानिध्य मिला, तो गौरांगी प्रियाजु की कृपा से नीच पुरुष के हृदय में भी महान प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकाशित हो जाएगी, ये विश्वास कीजिए। लिखा है असंकोचे नैव, यद्यपि
वो अनाधिकारी है, इसलिए संकोच का विषय बनता है कि अनाधिकारी को प्रेम लक्षणा भक्ति। और बोले असंकोची नहीं हुआ, कभी इस बात का सोच ही नहीं होता हमारी प्रियाजू को कि बहुत नीच आचरण वाला है, बहुत करुणामयी है, उन्हीं की करुणा का भरोसा नहीं। हम सब इसी पंक्ति में खड़े हैं, नीच आचरण वाले। इसलिए कह रहा हूं कि मना स्थितियों को देखो, अपने मना स्थिति को बचपन से लेकर अभी तक उस मन को ही देख रहे हैं। वासना की परत जमा है। एक बार सोहनी लगी, पोछा लगा तो लगा पवित्र हो गया, दोबारा फिर लगा तो फिर वैसे ही कूड़ा, हजारों बार लगने पर वो कूड़ा ही कूड़ा। पता ही कितने जन्मों का कूड़ा जमा है। आप लोग चार दिन भजन करके चाहते हो कि हमारी कामना की पूर्ति हो जाए, मैं ऐसा यहां संतों को पूरा जीवन हो जाता है, फिर भी अनुभव होता है मोशम कौन कुटिल खल कामी, सच्चाई की बात कह रहा हूं, फिर भी अनुभव होता है जिन मुंह को तन दियो ताको ना भजन कियो ऐसो नमक हरामी। मालिक का नमक खा रहे हैं, चिंतन विषयों का हो रहा है, दगाबाज धोखेबाज छलिया वो हम हैं, अपने हैं, प्रभु के अंश हैं। प्रभु ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, सत्संग दिया, भगवत मार्ग दिया, फिर भी वही दगाबाजी, वही छल, वही कपट, क्या दगाबाजी। भगवत आश्रय छोड़कर किसी वस्तु व्यक्ति स्थान पद धन आदि का आश्रय ले लेना ये दगाबाजी, अपने प्रति दगाबाजी। जिनकी कृपा से हमारा स्वरूप पोषण, शरीर पोषण, भाव पोषण हो रहा है, हम उनकी तरफ देख ही नहीं पा रहे, अपराध पर अपराध करते जाते हैं, उनके देखते हुए उनकी खिलाफत करते हैं। ये नमक हरामी पना नहीं तो और क्या है। बड़े महापुरुषों के वचन हैं श्री सूरदास जी महाराज, ऐशो नोन हरामी, नोन नमक हरामी। चांडाल पर्यंत संकोच का त्याग करके नीच आचरण करने वाले को भी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाले कौन? ये वृंदावन भूमि जिनकी है गौरांगी प्रियाजी। ददौ यह सद भक्तिम विमलतर नाना रसमयम, अद्भुत रस प्रदान करने वाले, नाना प्रकार के भाव रस, कभी अमुक लीला, कभी अमुक लीला, कभी अमुक लीला, कभी अमुक भाव भंगिया, इसमें उपासक डूबा रहता है। सदभक्तिम रसमयीम विमलतर, किंचिन मात्र मल की गंध भी नहीं, मल कामना, कामना ही मल है, बार बार भोगों की कामना ये मल है, यही भगवत साक्षात्कार नहीं होने। भक्ति तो है लेकिन मल युक्त है, भक्ति तो है लेकिन व्यभिचारिणी है, अव्यभिचारिणी विमलतर रसमयीम ये प्रिया जो प्रदान करती है। महिमने विभ्राजत कनक रुचिधाम ने स्वकृपया, जो अपने स्वधाम में विराजमान वृंदावन में जिनकी कनक कांति है सात कुंभ तनु गोरी, वो प्रियाजु असंकोचे नैवा स्वपच मखिलेभ्या स्वयमहो, स्वयं करुणा करके अपनी तरफ से नीच अधम चांडाल तक को जो धाम का आश्रय ले लेता है, महान विमल रसमयी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है। ये बड़ी दुर्लभ बात है। यस्मिन् प्रवीशेन मनोपि महताम का तत्र वार्ता पुनः, शास्त्राणां गपितंच यद भागवता भंग्यैव भक्तोद्धवे, तद् वृंदावन मुन्मदेन रसिकद्वंद्वेन केनाप्यहो नित्य क्रीडतया गृहीत मिहि के विद्युर्न गौराश्रयाः। महाप्रेम की अथाह समुद्र, ना
कोई शास्त्र इनको जानता है और ना शास्त्रज्ञ और ना कोई ब्रह्म ऋषि किनको, गौरांगी प्रियाजी को। ये महाप्रेम समुद्र वृंदावन की रज और रसिक, इन्हीं से परिचय मिलता है। चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो, हमारे प्रियाजू के विषय में नहीं जान पाओगे। लालजू के विषय में तो वो भी वो जना दे तो शास्त्र पढ़ने से नहीं जान पाओगे। सोई जाने जी देव जनाई। देखो भगवान श्री कृष्ण ने परम ज्ञानी उद्धव जी को इशारे में बता दिया कि मेरे प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो तो वृंदावन जाओ और मेरे प्रेमियों की चरण धूल में लोटो तो प्रेम प्राप्त कर पाओगे। अहो ऐसा रसोन्माद वृंदावन प्रकट करता है कि युगल किशोर के सिवा और कुछ नहीं रह जाता चित्त में। धन्य है वो महापुरुष जिनके चित्त में युगल किशोर के सिवा और कोई नहीं। तो हम ये आपको निगूढ़ तत्व बता रहे हैं। गौराश्रय, गौरांगी प्रियाजू के आश्रय के बिना तुम प्रियाजू को नहीं जान सकते, प्रेम को नहीं जान सकते, वृंदावन को नहीं जान सकते, इस महासमुद्र प्रेममयी लीलाओं को नहीं जान सकते। चाहे शास्त्र पढ़ लो, चाहे ब्रह्म ऋषियों का संग कर लो, या चाहे जितनी बड़ी साधना कर लो, उद्धव से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं होगा। वो कह रहे कि वासुदेव ने इशारे से उद्धव को बता दिया कि परम पावन वृंदावन की भूमि में प्रेमियों के संग में ही प्रेम प्रकाशित होता है, विशुद्ध प्रेम। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।